नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, CHA कोविड स्वास्थ्य सहायकों के लिए एक राहत भरी खबर और एक खुशखबरी बताना चाहूँगा। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने ट्वीट के माध्यम से संकेत दिए हैं कोविड स्वास्थ्य सहायकों को। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पूरी जानकारी क्या है। आप देख सकते हो दोस्तों, ये अपडेट है दैनिक भास्कर का 5/4/2022 बांसवाड़ा, यानी आज ही का ये अपडेट है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि मानदेय पर सेवाएं मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स गठित होगी। दोस्तों, आप देख सकते हो मानदेय पर सेवाएं मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स गठित होगी। इसी के अलावा राहत भरी खबर आप देख सकते हो, CM गहलोत ने ट्वीट कर संकेत दिए कि नौकरी से हटाए हेल्थ वर्कर्स की समस्या का इसी महीने समाधान होगा। दोस्तों, इन्होंने कहा है कि जो कोविड स्वास्थ्य सहायक जो हटाए गए हैं उनकी समस्या का जो भी समाधान होगा वो इसी महीने में होगा। इसी को लेकर देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो ये उन्होंने कहा कि हम कैसे करेंगे मेडिकल एंड हेल्थ वॉलंटियर फोर्स के नाम से कैडर बनाकर जिला कलेक्टर के माध्यम से कमेटी तैयार की जाएगी। दोस्तों, आप देख सकते हो उन्होंने कहा है कि मेडिकल एंड हेल्थ वॉलंटियर फोर्स के नाम से कैडर बनाकर जिला कलेक्टर के माध्यम से कमेटी तैयार की जाएगी। ऐसे होगा, इसी अधिक हेल्थ वर्करों को काम मिलेगा। संविदा पर अस्थायी रूप से रखे हेल्थ वर्कर आंदोलन कर दबाव नहीं बना सकेंगे, इनको फायदा। राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदेश में 27,000 से अधिक संविदा पर लगे हेल्थ वर्कर, नर्स ग्रेड व स्वास्थ्य कंसल्टेंट को हटाया है। तो दोस्तों, उनको कहा है कि किस प्रकार से हम कार्य करेंगे, ऐसा किस प्रकार से करेंगे और किस प्रकार से आपको फायदा मिलेगा। राजस्थान में संविदा से हटाए कोविड हेल्थ वर्कर्स के लिए राहत भरी खबर, उनको जल्द ही फिर से काम पर बुलाया जा सकता है। होमगार्ड की तरह ही हेल्थ वर्कर्स की सेवाएं भी बतौर वॉलंटियर्स ली जाएगी। उनका मेडिकल एंड हेल्थ वॉलंटियर फोर के नाम से कैडर बनाकर जिला कलेक्टर के माध्यम से कमेटी बनाकर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। दोस्तों, खुशखबरी बताना चाहूँगा, जैसे होमगार्ड बुलाए जाते हैं किसी भी समय जो आवश्यकता हो उस समय उनको बुलाया जाता है, तो उसी हिसाब से इनके भी एक कैडर बनाया जाएगा और इनकी कमेटी बनाकर इनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। जब भी इनको आवश्यकता होगी इनको बुलाया जाएगा। किसी भी आपदा अथवा महामारी के समय इन्हें दैनिक मानदेय देकर ड्यूटी पर बुलाया जा सकेगा। कोई भी महामारी हो, आपदा हो, कोई भी समस्या हो तो इनको मानदेय देकर के इनको बुलाया जाएगा, इन्हें मानदेय देकर ड्यूटी पर बुलाया जा सकेगा। प्रशिक्षक चिकित्सक कर्मी का परिचय पत्र भी दिया जाएगा, इनको इनका परिचय पत्र भी दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इससे सरकार को फायदा यह होगा कि कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा पर अस्थायी रूप से रखे हेल्थ वर्कर्स आंदोलन और हड़ताल करके स्थायी करने का दबाव नहीं बना पाएंगे। इस संबंध में जल्द ही नई गाइडलाइन जारी होने की संभावना है। राज्य सरकार ने 2 दिन पहले ही प्रदेश में 27,000 से ज़्यादा संविदा पर लगे हेल्थ वर्कर्स, CHA, नर्स ग्रेड द्वितीय प्रशिक्षक और स्वास्थ्य कंसल्टेंट आदि को हटाया है। इधर अचानक हटाए जाने को लेकर इन हेल्थ वर्करों ने CM अशोक गहलोत से मिलकर विरोध भी जताया। CM ने शनिवार को ट्वीट करके संकेत दिया कि इनकी समस्या का इसी महीने कोई ना कोई समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने CHA के बकाया वेतन के लिए 103 करोड़ रुपए का बजट जारी करने की बात भी कही है। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि CM अशोक गहलोत ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि जो हेल्थ वर्कर है इनकी जो भी समस्या है उन सभी का समाधान इसी महीने किया जाएगा और एक इनकी कमेटी बनाया जाएगा जिसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उनको कार्ड बना के दिया जाएगा और इनकी आवश्यकता के समय इनको बुलाया जाएगा। तो इसी के अलावा दोस्तों, अन्य कोई CHA से संबंधित कोई जानकारी होगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।